वही 10-15 डंडे से बना हुआ है ये रिंगाल की टोकरी। घर पे आए हुए मेहमान भगवान के समान होते हैं। अरे वो आदि लोग कौन क्या कर रहे हो खिलाफ? कुछ नहीं, कौन लोग क्या है, कौन जी तुम्हारे खिलाफ? हेलो मम्मी। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। इधर ये वापस कराना है भाई लोगों। क्या इसमें? इसमें है सूट। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो चलिए गाइस, करते हैं आज एक फिर से एक नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से स्टार्ट। तो अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, अब चलता हूँ फटाफट से नाश्ता करने, हाथ मुंह धोते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग में बने रहे गाइस। एंड जी व्हाट्स अप गाइस, तो आज सुबह मैं नाश्ता करना है, और अभी आजकल गाइस मेरा चल रहा है नाश्ते में ज़्यादा फाइबर चीज़ें, ज़्यादा मतलब वेजिटेबल्स ज़्यादा चल रहे हैं। ये देखो गाइस, इसमें हरी सब्जी ये गर्म हो रही है, और इसमें है चाय, ब्लैक टी, तो ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है आजकल। और जैसे दलिया हुआ, सिवाए मूंग की फिर हुआ, तो ये चीज़ें ज़्यादा चल रही मेरी आजकल। और यहाँ पर आ रखे हैं ऋतिक ब्रो। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, क्या हाल चाल? हाउ आर यू? अबे तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक भाई। हेलो भाई। हेलो भाई, क्या हाल चाल? आज कैसा हुआ भाई घर में हमारे? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? और नहीं ताई सुना दे। नहीं ताजी, खाना खाओ तुम पहले। तो गाइस, करते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस, नाश्ता भी हो चुका है, अभी जा रहे हम रोड पर। रोड पर काम हमारा, कुछ क्या काम है भाई ऋतिक भाई, बताइए। काम तो ये है, हाँ, ये वापस कराना है भाई लोगों। क्या इसमें? इसमें है सूट। क्यों कराना वापस? ये फटा सूट दे दिया भाई। ऋतिक भाई, इसमें क्या है बताइए मेरे को? इसमें है सूट है, हाँ, ये घाट वाले ने मेरे को बुला के फटा सूट दे दिया। गाइस, इसको फटा सूट दे दिया, क्यों तो देखा नहीं उसमें भाई? गाइस, इसने अभी ब्लॉग बंद कर दिया। चलते 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 लोग आ गए थे, लोग फिर उल्टा सुलटा बोलते ना। तो चलते हैं फटाफट रोड में, फिर रोड में कुछ काम है, थोड़ा मेरे को टालपटा भी जाना है भैया लोगों के घर में, दादा लोगों के घर में, और ऋतिक भाई को इसी सूट वापस भी करना है। तो मिलता हूँ आपको गाइस, आज बहुत काम है मेरे पास, मम्मी ने बहुत काम बता रखे हैं मेरे को, पहले तो प्याज में पानी डालना, फिर खाना खुना बनाना। तो गाइस, आज मैं आपको एक बार थोड़ा गाँव का व्यू दिखाता हूँ यहाँ धार से। तो गाँव का व्यू दिखाइए ऋतिक भाई। फाइनली पहुंच चुका मैं टालपटा दादा लोगों के घर में, आप दादा लोगों के सुनाता हूं आप सभी को। हेलो दादाजी, गुड मॉर्निंग। कल जीते आला वाले, एक उन्होंने बनाए 248 रन, गुने वाले ने, गुने वाले ने 197 बस। हां जी, ठीक हो आप? मतलब तबियत पानी 93-51 रन से जीते हो? हां, और 197 बहुत अच्छे बनाए। हाँ, थोड़ा उनके पास बैट्समैन कम थे ना, के मो धोनी के पास, तो तू शामिल हो जाता। तो कह के लेदार के बात खा रहे नहीं, मैच देखने। ठीक, तबीयत पानी ठीक है आपकी? ब्रदर, हेलो ब्रदर। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब ठीक। मेरे को क्यों बुला रखा है आज? हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये अब्बो, ए अब्बो, हेलो अब्बो, हाय बच्चे, ये देखो भाई, आज हीरोइन बनने की भाभी, आज बच्चे को लेके हॉस्पिटल। ओ हाँ जी गाइस, तो गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं घर में, और भैया लोग जा रहे थे आज हॉस्पिटल छोटी बच्ची को लेके, उनकी थोड़ी बच्ची की थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो भाभी जी और भैया जी और अब्बू जा रहे हैं थोड़ा हॉस्पिटल के लिए, तो मैं भी घर आ चुका हूं, आप करता हूं घर का काम फटाफट से। तो गाइस, अभी आराम से करना है मैंने काम भी, क्योंकि ऑपरेशन होना, तो उसके कारण से थोड़ा आराम से, अभी मैंने ज़्यादा काम नहीं करना आज, थोड़ा प्याजों में पानी डालना है और खाना बनाना है, वैसे इतने दो ही काम करने मैंने। और गाइस, बात ऐसी है, तुम लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो अब मेरे को, तो गाइस प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको अपना हर लाइफस्टाइल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो जो मेरी लाइफ में हो रहा है। तो गाइस, आप भी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस, बस कुछ ही क्षणों का उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो 300 घंटे और चाहिए हैं, तो 300 घंटे कंप्लीट करना मेरे को, फिर उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। गाइस, फटाफट से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें गाइस। तो गाइस, एक अंकल जा रखे, पता नहीं घोनी गांव से हैं, तो ये हैं अंकल जी।
मैं तुम्हें वीडियो बनाने वीडियो क्या कहीं तुम आज रामेण मन तो अच्छा टोकरी अच्छा ये टोकरी गाइस जी इन्होंने अपने हाथ से बुन रखा है थोड़ा दिखाना है वीडियो बनाने तुम्हें ये गाइस ऐसी टोकरी बनती है ये आप बनाते हो इसको ये जो बामनुन मामन अमनिता नहीं हो ये हाँ जिसमें गाइस ये पूजा पाठ में काम आती है जिसमें हम जो जो रखते हैं आम नहीं रखने के लिए काम आता है ये टोकरी ना रोटी रखने के लिए पकौड़ी रखनी हाँ एक पूरी पकौड़ी रखना इसमें टोकरी तो मेरे अगर यूट्यूब में अगर कोई सब्सक्राइबर वाला ना चलना तो मैं तुम मुझे संपर्क कर दियो हाँ तो गाइस मैं रोटी बनाता हूँ मटकंडी हाँ हाँ कंडी तो ये किसी ने मंगा रखा हमारे गांव में तो उनके पास दिना रखे और ये यहाँ पर बैठे हुए मैं तो आप अगर बनाने अगर आपको भी चाहिए होगा तो मेरे से संपर्क कर लेना तो मैं इनसे बात करा दूंगा आपकी सही बात तो गाइस मैं इनके लिए चाय बनाता हूँ तो चाय पिलाता हूँ मैं इनके लिए तो गाइस मैं भी नहीं जानता हूँ बस इतना जानता हूँ कि घूनी के मैंने इनसे पूछा कि कहाँ से आप इन्होंने बोला कि घूनी से तो कोई नहीं गाइस घर पे आए हुए मेहमान भगवान के समान होते हैं तो इनको बनाते हैं फटाफट से चाय फिर इनको चाय पिलाते हैं अगर आपको भी चाहिए होगा गाइस ये बहुत मेहनती लोग रहते हैं ये जो कि रिंगाल से दिन भर अपनी मेहनत इस पे निकाल देते हैं वो जैसे सुल्टी कंडी हुआ और टोकरी हुआ ये बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी चीजें बनाते हैं ये तो नहीं लॉन्ग कर ली ना आपका नाम क्या है भवनुराम अरे बुआ आदि लोग कौन क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कौन क्या है कौन जी तुम्हारे खिलाफ अंकल जी डर रहे बोले कि कल के दिन कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ और कर देगा नहीं कुछ नहीं करेंगे बुढ़ा कोई बात नहीं कब जाते ही अंकल जी सबने एक दिन बुढ़ा ही होना है आजकल हम जवानी है ना तो आज हम ऐसे हैं तो कल के दिन हमने भी आपके जैसे होना है बोलो बोलो तुम्हारे तार से समाज में लड़का और कहते अंकल जी अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलते रहेंगे धन्यवाद है कि नहीं सही बात आपने हमको आशीर्वाद देना अपना बस भाई ये धन्यवाद है ना जितना सेवा करेगा तब फल मिलेगा वही तो भगवान के घर दूसरी नहीं रखते भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं हाँ वो तो है कितने स्वीट अंकल जी मिले मेरे को आज कितने अच्छे अंकल जी मिले तो अगर तु, अगर तुम अगर कोई अगर टोक 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 हेमा बोला ना तो मैं पता चल तुम है तुम गए नहीं ना तो मैं पता करो तुम का खो थे बोल तुम देखे बात करो हुआ ये सब पूरा दुनिया देखा ली वीडियो है हां ये कटियो थी हो ये मोबाइल छ ना ई में वीडियो बनाने हां हां तो ये तुम्हें पूरा दुनिया देखा तब तो अगर तुम अगर कहे मतलब रोड कनेक्ट खेल चल तो वो तुम मतलब मैं तुम तुम उनको मैं जब आपकी भाई साहब पर बाप बाप तो तुम बनाओ ये बात ठीक है ठीक तो तुम्हें आमदनी भेट दर गुजार अच्छा लेता है ना तो बहुत ही प्यारे अंकल जी है गाइस थोड़ी नॉलेज नहीं है ना इनको थोड़ी मतलब पुराने जमाने के लोग हैं कहाँ के रहने वाले हैं ये दुनिया के पूरे विश्व में देखेंगे वीडियो सारे क्षेत्र देखेंगे तुम्हारी वीडियो बनाने तुम्हें भाई हाँ कोई बोलेगा मेरे को रिंगाल कहाँ से लाए वो भी परेशानी तो नहीं बनी नहीं नहीं रिंगाल रिंगाल के लिए कौन बोलेगा कोई नहीं बोलेगा अपने घर में पाला हुआ रिंगाल है या कहीं से लाया कुछ नहीं 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 अंकल जैसा कुछ नहीं है तो आप पियो चाय और आपके लिए नाश्ता 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 सब कृपा है कर लिया हमने चलिए जी करते हैं इनसे बात फिर मिलता आपको थोड़ी देर बाद तो गाइस अब आया हूँ मैं थोड़ा बगीचे में पानी डालने के लिए और यहाँ पर है देखो गाइस ये हरी सब्जियाँ ये सारी मम्मी ने बो रखी है इनमें इनकी गुड़ाई निराई कर रखी अच्छी से मम्मी ने और यहाँ पर ये प्याज प्याज बो रखे यहाँ पर गाइस मेरे को तो नहीं लग रहा है प्याज हो रही है ये देखो गाइस ये चेक करो छोटे छोटे हो रखे अभी तो गाइस डालते हैं इनमें पानी और ये चेक करो गाइस ये पूरा भिगाना मेरे को आज ये चेक करो इनको भिगाते हैं पहले सारी सब्जियों को भिगाएंगे फिर प्याज को भिगाएंगे गाइस प्याज में ऐसे करके पानी डालना पड़ता है क्योंकि वो खड़ा रहेगा ना फिर अगर ऐसे में डालेंगे तो एक ही जगह पर चले जाएगा तो ये प्याज में ऐसे करके डालना पड़ता पानी ऐसे में
तो डालते हैं भिगाते हैं बगीचे को फटाफट से, फिर मिलता आपको। हाँ जी व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस अभी हो रहा है दिन के 1:40 और फाइनली में मम्मी जी पहुंच गए घर। हेलो गाइस, ये है मम्मी जी, मम्मी जी यहाँ पर कपड़े। हेलो मम्मी। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। इधर तो देखते हैं, इधर तो मम्मी जी, मम्मी जी यहाँ पर कपड़े धो रही है, खाना बन चुका है, और मैं ये मेरे हाथ में ये थर्मस और ये है रॉड पानी गर्म करने का, फिर खाते हैं फटाफट से खाना फिर गाइस। तो गाइस फाइनली दोपहर का लंच भी हो चुका है और अभी मैं आ रखा हूँ अपने कमरे पे सोने के लिए, थोड़ा बहुत गाइस थकान लग चुकी है, तो अभी दवाई खाई मैंने, तो थोड़ा बहुत आराम करता हूँ, फिर मिलता हूँ सीधा शाम को इवनिंग के समय पे। हाँ जी गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 5 और अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ रोड की, और थोड़ा रोड में कुछ सामान लेने प्रसन्न भैया से दवाई मंगा रखी थी, दवाई लेने चलते हैं। और एक बार गाइस ये आज का माहौल चेक करो मौसम का, बिल्कुल बादल फिर वैसे ही बारिश के जैसे मौसम बन चुका है, कहीं पर मौसम खुल लगा, कहीं पर पूरे बादल लगे हैं। तो चलिए जी गाइस फटाफट चलते हैं, फिर मिलते हैं जी व्हाट्सएप गाइस। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं टॉल पर दादा लोगों के घर, और भैया लोग भी आ चुके हैं हमारे हॉस्पिटल से। तो भैया जी पहुंच गए, कैसा रहा सफर? ठीक रहा। ठीक रहा, अभी क्या चल रहा है फिर? अभी क्या चल रहा, चाय बन रहा भाई। और दादाजी यहाँ पर ले रहे टीवी का मनोरंजन। दादाजी कैसे हो? ठीक है, तबीयत पानी? तो दादाजी यहाँ पर फर्स्ट क्लास मस्त टीवी के साथ और ये हीटर के साथ आनंद ले रहे हैं अपने। कितने साल की मेहनत है दादाजी ये? कितने साल की मेहनत है ये? क्या कौन सी मेहनत? तो दादा 28 साल के बाद रिटायर आके सीधा टीवी पे बैठ गई। दादा आप रिटायर कब आए थे? सन कितने में आए थे? 95 में रिटायर आ गए थे आप? 5 अभी क्या है 2024 29 साल तो मेरे को घर आए हुए होंगे। 29 साल घर आए हुए? 28 साल नौकरी किया। 28 साल नौकरी। और आपकी एज कितनी है? 76। गाइस ये पुराने बुजुर्गों के खान पान से अभी तक इनकी लाइफ, और हम जैसे नव युवकों की लाइफ देखना गाइस, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल बस इतना ही। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर, और मैं जाना जा रखा था भाई लोगों के यहाँ थोड़ी दवाई लेने, मेरी एक दवाई आनी थी, तो गाइस ला चुका हूँ मैं दवाइयाँ। और अब करते हैं मम्मी जी कर यहाँ पर डिनर, रात का डिनर, और टीवी के साथ साथ ये देखो गाइस सीरियल देख रही हैं बिल्कुल सास बहू। तो मैं भी करता हूँ फटाफट से डिनर, फिर डिनर करके। तो गाइस इस ब्लॉगिंग की एंडिंग यहाँ पे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहा है कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे गाइस। तो मिलते हैं जल्द से एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।